तार बचा के तुम अपने अपने शरीर को बचाओ। हाँ बाहर में कुआं है, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। और अभी हम लोग बिलासपुर से 50 किलोमीटर दूर बिलगाना क्षेत्र में आए हुए हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे छोटों से लेकर बुजुर्ग तक की पूरी भीड़ जमा है। और भीड़ का कारण सबसे ज्यादा होता है सांप, क्योंकि सांप एक जिज्ञासा का बहुत बड़ा कारण बनता है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि घर बहुत खूबसूरत जगह पे है, बट यहाँ पर कुएं में सांप गिर चुका है। काफी बिग साइज का स्पेक्टिकल कोबरा है दोस्तों। नहीं समझ में आया ना, इसीलिए वो लेंस बिग साइज का कोबरा है। मुझे स्पेस कम मिलेगा। हम लोग पहली बार देखे नहीं, कितना बड़ा ना, देखे जरूर है, लेकिन ये मेरे को लगता है एक बार बहुत पहले देखा था करीब। दोस्तों जब भी कुएं का रेस्क्यू होता है वो काफी टफ हो जाता है। और ये जो कुआं है ये काफी कंजेस्टेड कुआं है और जो सांप है वो कम से कम 5 से 5.5 फीट का सांप है। तो जब मुझे उस सांप को ऊपर लाना होगा तो वाकई में मेरे पास स्पेस बहुत ही कम होगा वर्क करने के लिए और मेरे साथ एक्सीडेंट के चांसेस ज्यादा से ज्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि सांप का जितना लेंथ है उस हिसाब से मेरे पास एरिया बहुत ज्यादा कंजेस्टेड हो जा रहा है। और अगर मुझे बाइट हुआ तो यहाँ से 50 किलोमीटर तक जाने तक मेरे सर्वाइव कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए इस रेस्क्यू को हम लोग कम्प्लीट करते हैं, वो भी गांव वाले के भरोसे। कुएं की चौड़ाई 3 फीट होगा और एक इंसान की शरीर की चौड़ाई 2 से 2.5 फीट की होती है, तो सोच लीजिए इतना टफ है वो। तो थोड़ा सा ना बढ़िया जोर लगा के। नहीं पहने रहो, वो तो अटैक करेगा ही। बोलो बजरंग बली की। वो देखो अब नेचर आ गया, उसका नेचर आ गया, खुश भयंकर बहुत ज्यादा। ये दूं आपका, अगर वहाँ कोई नहीं है भैया यहाँ से हट जाओ प्लीज, मेरे को शूट करना है बस, आप जगह दो भैया। मैं आप लाइट दिखाओ दीदी को बस, आप नीचे बैठ के ना थोड़ा लाइट दिखाओ बस, ये और देना पड़ेगा। नहीं भैया वाला लकड़ी को पहला नीचे रखना है, उसको हाँ उसको आप नीचे में फंसा लीजिए लेफ्ट हैंड के नीचे। भैया हट जाओ मेरे बाप लोग, बोल रहे थे निकलेगा देख लेना। ये डंडी दे भाई महाराज, हाँ इसको देना, इसको देख मेरे मेरे बाप चल ना भाई, मेरे भाई निकल जाएगा देख लेना, मेरे भाई पर लेगा वो पूरा अंदर हो जाएगा, काफी पानी है ना। स्टिक को स्टिक ये लीजिए, ये लीजिए, ये आपके लाइट दिखाओ भैया प्रॉपर। देखिए सीढ़ी कुछ नहीं होगा, आप सीढ़ी के लिए टेंशन मत लीजिए। नहीं नहीं वो नहीं बोल रहे हैं, वो सीढ़ी गलती से भी सीढ़ी में कर पैर बचा के बस देखना ना अपने आप को। नहीं नहीं उधर भाग रहना, असल में कचरा भी है ना उसमें, समझ नहीं आ रहा ना भैया, कचरे के नाम से देखने में नहीं समझ रहा। अरे भैया लोग मेरे बाप ये भैया वो भैया है भैया तार बचा के पकड़ा के तार को बचा के
तो चारा नहीं, अपने शरीर को बचाओ। तुम उठते जाओ, उठते जाओ, स्टिक को छोड़ दो, भले दोबारा स्टिक लेके आ जाना। तुम लोग यार उसको कुएं में रहन दो। आ जाओ, ये लाइट नीचे करके दिखाओ भैया, थोड़ा सा बहुत बड़े हैं, 5 फीट के। वो चढ़त नहीं बना थे ना बोला वो बड़े भैया, इधर चले जाओ भैया। अरे इतना कंजेस्टेड कुआं है, तुम्हें कहाँ बताएंगे भाई, तो देखते हैं ना। तुम अपने अपने शरीर को बचाओ भैया, लाइट दिखाओ प्रॉपर नीचे झुक के। हाँ उनको लाइट दिखाओ, देखना हाथ तकना है। शाबाश, आराम से मैडम, भागो ना, भागो ना, मत कुछ मत करो, ऊपर चढ़ते जाने या काहे और एक मिनट ऊपर का टाइम भी मरे जा। आराम से, आराम से, आराम से, आराम से, अरे बहुत बहुत धन्यवाद भैया लोग। अरे मार दो, मार दो, रेस्क्यू बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट था और मेरे साथ यहाँ पे अटैक होने के चांसेस ज्यादा था क्योंकि अंदर बिल्कुल भी स्पेस नहीं था मेरे काम करने के लिए। वह सांप का लेंथ था, वो आराम से उसने नीचे कुएं में 2 बार मेरे पैर को लपेटा। ये इसकी अपनी इच्छा थी कि इसने मुझे बाइट नहीं किया, लेकिन इसने लपेटा क्योंकि इसके पास भी स्पेस नहीं था और मेरे पास भी स्पेस नहीं था। तो यह है दोस्तों, इस स्पेक्टिकल कोबरा बहुत ही ज्यादा जहरीला सांप है। इसके काटने से हर साल बहुत आयत मात्रा में अगर सही समय पर इलाज न मिले तो लोगों की मृत्यु हो जाती है। ये जो बाबा है, जब मैं कुएं में उतर रही थी तो मैंने कहा भी कि सीढ़ी खिसक रहा है सब, कहा तो बाकी में इनके जज्बे को मानना पड़ेगा। इन्होंने कहा आप उतर जाओ बाकी हम लोग देख लेंगे। तो बाकी में अगर ऐसा जज्बा आसपास होता है ना तो चाहे कितना भी मुश्किल रेस्क्यू हो वो कंप्लीट जरूर हो जाता है, क्योंकि अगर ऐसे लोग साथ में है ना तो बाकी कुछ और होती है। बाइट होता है, सांप काटता है, टीम्स का गवर्नमेंट हॉस्पिटल फ्री में आपका इलाज हो। और यूट्यूब पे हम लोगों का चैनल है कमल चौधरी करके सर्च करिए, काइंडली उस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। और फेसबुक पर हम लोगों का प्रोफाइल है कमल चौधरी कोबरा, उसको भी आप जरूर फॉलो करिए। तब तक के लिए अपने हाथ में मोबाइल 24 घंटे रखते हैं, लेकिन हमारा वीडियो देखते रहिए, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। नेक्स्ट वीडियो फिर मिलेंगे, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत ऊपर आने का कोशिश किया, इसी वजह से ना उसके नाक के पास पूरा मुंह के पास चिरा गया, कोशिश एफर्ट लगाया होगा बेचारा। और ये कल से नहीं गिरा है, इसको 2-3 दिन 4 दिन हो चुके हैं, ज्यादा ही हो चुका है। हाँ वो ऊपर आने का कोशिश किया है बेचारा। गाना में जिस कुएं से हम लोगों ने सांप को निकाला था, स्पेक्टिकल कोबरा, तो उसको हम लोग उसको नेचुरल प्लेस पे ला के छोड़ रहे हैं, क्योंकि बेलगहाना से बिलासपुर जाने वाले रोड में पूरा जंगल है, तो इससे बेस्ट प्लेस इसके लिए कुछ नहीं हो सकता। देख के ना।